वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन वेरी 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 गुड इवनिंग। चलो बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सब आ गए हैं क्या? फटाफट ज्वाइन हो जाओ, अपने अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करो। कहाँ है बोलो, सो रहे हो तो जाग जाओ, सोना तो मुश्किल है। अभी तो मैथ्स का लेक्चर हुआ है, नींद उड़ गई होगी है ना। आ जाओ चलो जल्दी जल्दी। चलो दोस्तों के साथ लिंक शेयर करो, वीडियो पे आते साथ पहले लाइक करो जल्दी जल्दी। आवाज आ रही है क्लियर? बोलो ठीक है। कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं। मुझे इतना एक बार बोल दो कि आवाज़ क्लियर है, ऑडियो भी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है क्या, ये बोल दो एक बार सो वी कैन बिगिन। ठीक है, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं। आवाज़ आ रही है परफेक्ट, ऑल क्लियर। बोल दो कि आवाज़ क्लियर है। यस यस, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। All clear, everything clear. Yes, very very good morning, very very good evening, good evening, good evening चल रहा ना आज, good evening। आज lecture evening का है हमारा, बराबर ना? ठीक है, चलो छोटा सा lecture है आज का, छोटा सा concept discuss करना है जहाँ पे हमारा basics खत्म हो जाता है, clear है? So that we can start with our new chapter on Monday, है ना? It has discussed. Tomorrow morning 11:30 we will be meeting, yeah we will be meeting at 11:30 on zoom par milenge na। चलो बढ़िया, आवाज क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। क्लियर? एक घंटा चलेगी बेटा क्लास, 1 आवर लेक्चर विल गो फॉर 1 आवर, 6:30 तक मान के चल लो। टुमारो लेक्चर मॉर्निंग 11:30, लेक्चर नहीं होगा, जूम मीटिंग पर बात करेंगे आपके डाउट्स जो है, मैंने जो कल 5 लेसन आपको होमवर्क दिए थे वो डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड आपके जो डाउट्स है वो डिस्कस करेंगे, उसके अलावा यहाँ वहाँ की इधर उधर की बातें करेंगे, बराबर है? ये सारी चीज़ें करेंगे कल। यस ओके यस यस, चलो लेट अस बिगिन। सी लास्ट पार्ट ऑफ बेसिक्स,
लास्ट पार्ट ऑफ आवर बेसिक्स, इसके ऊपर थियरी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए टॉपिक उठा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा और एक टॉपिक है कंसेप्ट्स, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स, उसको भी लेंगे हम, बट अभी नहीं। अभी बहुत से बच्चे ऐसे कि सर अभी नींद आ रही, अब तो बोर होने लग गया है सर बेसिक्स में, अब बस सर, अब बस, अब नया चैप्टर ले लो सर, अब नया चैप्टर ले लो। ठीक है, नया चैप्टर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल ग्रैब सम वाटर फॉर मी एंड विल स्टार्ट द लेक्चर। So let's begin. Yes. Okay. सबसे पहले टॉपिक हम कौन सा पढ़ना जा रहे हैं, देखो, कॉन्टिंजेंट एसेट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ये छोटे छोटे कंसेप्ट से ये हमको समझना है, बराबर है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा, नन्ना मुन्ना सा। कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी, तो आ जाओ ये दोनों चीज़ें समझते हैं पहले क्या है। ओके, नाउ लेट अस बिगिन। सबसे पहला आता है वर्ड कंटिंजेंट। सर ये कंटिंजेंट क्या है सर, कंटिंजेंट का मतलब क्या है सर, वो बताइए आप। कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी, तो कंटिंजेंट लाइब, कंटिंजेंट का मतलब पहले समझेंगे, फिर कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट समझेंगे। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है ये, क्या कर क्या रहा है। क्यों तकलीफ दे रहे हैं भाव, क्यों तकलीफ दे रहे हो। लाइबिलिटी एंड एसेट, ठीक। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब जो भविष्य में शायद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट हैपन, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, उसको हम बोलेंगे कंटिंजेंट। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट दोनों क्या चीज है वो समझेंगे। सर लाइबिलिटी का मतलब हमको पता है क्या सर, हाँ लाइबिलिटी का मतलब हमको पता है, लाइबिलिटी का मतलब है सर, लाइबिलिटी का मतलब है सर हमें जो पैसे देने पड़ सकते हैं या कोई काम करके देना पड़ सकता है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी, फिर कंटिंजेंट एसेट पे जाएंगे। अब ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ट्रांजैक्शन लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। कौन है ये, अच्छा अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। ये बताए कौन है, अरे यार ये कौन है, ये मैं हूँ, ठीक है। और ये बताए कौन है,
ये है गरिमा, ठीक है, ये है उनकी फ्रेंड योगिता, ठीक है। तो देखो योगिता मेरे पास आती है एक बार, कहती है कि सर मुझे 50,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, क्या आप मुझे दे सकते हो? मैंने कहा ऐसे कैसे दूंगा, आप कौन हो, मैं आपको जानता नहीं हूँ, ऐसे दे नहीं पाऊंगा मैं। तो फिर गरिमा मुझसे मिलने आती है, गरिमा कहती है सर आपके पास कल मेरी फ्रेंड आई थी योगिता पैसे मांगने। बोला हाँ। बोले आपने मुझे पहचाना? बोला हाँ आपको पहचान लिया मैंने। तो बोले सर मेरी फ्रेंड आई थी आपको, शायद आप उसे नहीं जानते, उसने कहा है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो गरिमा कहती कि सर उसे आप 50,000 रुपीज़ दे दीजिए। बोला यार मैं जानता नहीं हूँ उसे, वो पैसे कब लौटाएगी, कब नहीं देगी, नहीं देगी। बोले सर चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। गरिमा बोलती है आप चिंता मत कीजिए, योगिता पे भरोसा रखिए, वो पैसा देगी। मैंने कहा अगर वो नहीं देगी तो? क्यों? गरिमा बोलती है कि सर चिंता मत करो, मैं हूं ना, किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना, तो अगर वो पैसे नहीं लौटाती है तो मैं आपको पे कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है बढ़िया, तुम्हारे भरोसे मैं योगिता को पैसे दे रहा हूं, मैं योगिता को पैसे दे रहा हूं। तो बात ध्यान से समझेंगे, इस ट्रांजैक्शन में योगिता की सबसे पहली लाइबिलिटी होगी, प्राइमरी लाइबिलिटी होगी किसकी, योगिता की, किसकी, योगिता की होगी लाइबिलिटी। मेरे लिए होगा एसेट क्योंकि पैसे आना बाकी है, और गरिमा के लिए होगी कंटिंजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी एसेट एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी, पॉइंट ऑफ व्यू हमें गरिमा का देखना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, गरिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, गरिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। गरिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अब ध्यान से सुनेंगे, प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है सर, योगिता की है। तो यहां पे कहना ये चाहता हूं मैं कि अगर अगर लाइबिलिटी तो देखो योगिता की है, तो योगिता ने मुझे पे करने हैं, उसने कहा था 2 महीने बाद पे करूंगी, बट मान लीजिए अगर योगिता भाग जाती है, योगिता उठाती ही नहीं, मैं फोन कर रहा हूँ योगिता को, योगिता पैसे, योगिता के घर पे जाओ, योगिता के घर पे लॉक, तो योगिता मिली नहीं रही मुझे। तो मैंने फाइनली किसको लगाया, गरिमा को फोन लगाया। गरिमा बेटे आपने कहा था योगिता पैसे देगी, अब वो नहीं दे रही है, अब आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान से समझो, गरिमा को पैसे पे कब करने पड़ेंगे, एक इवेंट होने पर। कौन सा इवेंट? इवेंट ऐसा है कि योगिता ने पैसे पे नहीं किए हैं, क्योंकि गरिमा ने गारंटी दी थी कि अगर योगिता पैसे पे नहीं करेगी तो मैं पैसे पे करूंगी। तो अब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो गरिमा के लिए ये लाइबिलिटी क्या है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। इज इट अ लाइबिलिटी एज ऑफ इट? नो, बट वंस योगिता डिनाइज द अमाउंट, डिनाइज टू पे द अमाउंट, देन वंस द योगिता डिनाइज टू पे द अमाउंट, देन गरिमा विल हैव टू पे। तो कैन आई से कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज लाइबिलिटी दैट मे अराइज और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। क्लियर यहां तक? सिंपल सबको, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ये कॉपी किया सबने? क्लियर? सेम वे एसेट भी ऐसा ही है, एसेट भी देखो, एसेट दैट मे अराइज और मे नॉट अराइज
हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। बोलो क्लियर यहां तक, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। आई होप यहां तक क्लियर है सबको, है ना। तो एसेट का आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं। अब मान लो कि ये मेरी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ये मैं हूं, ठीक। अब ध्यान से समझो, ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कर लिया गवर्नमेंट ने, मेरी प्रॉपर्टी किसने ले ली, गवर्नमेंट ने ले ली मेरी जमीन और कंपेंसेशन पे कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपेंसेशन पे कर दिया, ठीक है। बट मैं उस कंपेंसेशन से नाराज था, अरे नहीं यार इतना कम कंपेंसेशन नहीं होता है यार, जमीन की कीमत ज्यादा थी यार, आप बहुत कम पैसा दे रहे हो। तो मैंने क्या किया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट मैंने कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज कर दी, कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज कर दी। सर अब आपको कंपेंसेशन मिलेगा क्या, गारंटी नहीं है, क्यों अब पता नहीं ना, कोर्ट से जो फैसला आएगा वर्डिक्ट आएगा वो मेरे फेवर में होगा या गवर्नमेंट के फेवर में होगा। अगर अगर वो मेरे फेवर में आता है, अगर वो मेरे फेवर में आता है तो वो मेरे लिए एसेट होगा, मुझे पैसा आएगा। अगर वो मेरे फेवर में नहीं आता तो पैसा नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे अगेन यूर द इवेंट इज वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट, इवेंट इज व्हाट, वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के वर्डिक्ट पर डिपेंड करता है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो अभी तक के लिए, फिलहाल के लिए ये मेरे लिए क्या है, कंटिंजेंट एसेट, क्या है मेरे लिए, कंटिंजेंट एसेट। क्लियर यहां तक। बोलो दोनों एग्जांपल्स क्लियर है क्या, हाँ हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वित्रा, वृत्रा डिफिकल्ट नाम है यार, ठीक है। बोलो दोनों एग्जांपल्स क्लियर है क्या सबको, वो बोलो दोनों एग्जांपल्स क्लियर है क्या सबको, बोथ दी एग्जाम्पल्स क्लियर। इस बार भी क्वेश्चन आया था, यस वेरी गुड। नाउ अगर मैं आपको बताऊं कि लाइबिलिटी का जो डिस्क्लोजर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इज इट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नो सर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिस्क्लोजर बताऊं तो shown as a footnote to balance sheet, shown as a footnote to balance sheet। यहां पे accounting treatment की बात करें तो Not recorded in books of accounts। इसका disclosure ध्यान से समझना है, इसका disclosure ध्यान से समझना है। Not disclosed in final accounts, but disclosed in
अप्रूविंग अथॉरिटीज रिपोर्ट, इन व्हाट? अप्रूविंग अथॉरिटीज रिपोर्ट, ठीक है सबने? अप्रूविंग अथॉरिटी मतलब सर, अप्रूविंग अथॉरिटी का मतलब क्या सर? अप्रूविंग अथॉरिटी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करते हैं उसको हम कहेंगे अप्रूविंग अथॉरिटी। तो अपनी अथॉरिटी, जो अप्रूविंग अथॉरिटीज है, वो अपने रिपोर्ट में, वो अपने रिपोर्ट में डिस्क्लोज करती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें देखने की जरूरत नहीं है। डन, बोले यहां तक डन दोनों चीजें? आगे बढ़ूं, देखो कंटिजेंट लाइबिलिटी पे पहले आता हूं। द टर्म कंटिजेंट लाइबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म्ड only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise। मतलब possible obligation, possible obligation मतलब आपके ऊपर एक बंधन आ सकता है from past events। कभी आपने कोई transaction ऐसा किया जिसकी वजह से आपके ऊपर बंधन आ सकता है, जैसे मैंने योगिता को पैसे दे रखे थे, वो past event हो गया, उसके basis पर क्या होगा मेरे ऊपर? अब मान के चलो किसका नाम था, गरिमा, गरिमा के ऊपर ऑब्लिगेशन आ सकता है, विच विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय अकरेंस और नॉन अकरेंस। अब उसकी लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी ये कब डिसाइड होगा? ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। इन्होंने बोला अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ व्हाट? ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स विच इज विदिन, नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज। मतलब गरिमा को एक हम एंटरप्राइज मानते हैं, योगिता पैसा देगी या नहीं देगी ये गरिमा के कंट्रोल में नहीं है। गरिमा के कंट्रोल में, गरिमा को पता ही नहीं है, गरिमा के नॉट कंट्रोल योगिता वेदर शी शुड पे और शी शुड नॉट पे, ये उसके कंट्रोल में नहीं है, समझ में आ रहा है सबको? दूसरा वो बोलता है या तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन या तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स बट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, हमारे ऊपर बंधन है, हमारे ऊपर क्या है, बंधन है। यहां पर क्या बोला उन्होंने, बंधन आ सकता है, यहां पर कहते हैं कि बंधन आ चुका है बट हम फिर भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे उसको एज अ लाइबिलिटी, एज अ लाइबिलिटी, एज अ लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। मतलब इट इज नॉट प्रोबेबल, मतलब आपके ऊपर, नॉट प्रोबेबल मतलब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आउटफ्लो नहीं होगा। कौन सा आउटफ्लो? रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब पैसे लगने की नहीं, पैसे नहीं लगेंगे आपको, पैसे नहीं जाएंगे, ना आपके पैसे जाएंगे ना आपके गुड्स जाएंगे। कोई एक ऐसा एक्ट करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो मामला सेटल हो सकता है, जिसकी वजह से वो मामला सेटल हो सकता है। सिंपल, क्लियर है सबको? बोला हाँ या ना? बराबर, उसको फुटनोट कहते हैं। बेस्ट मोमेंट ने बेस्ट क्वेश्चन पूछा है। अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेड। अब मान के चलो जैसे मैंने गवर्नमेंट के ऊपर केस किया था, किस चीज का, कि सर मुझे तो कंपेंसेशन कम मिला है। ऐसे ही मान लो सिचुएशन उल्टा कर देते हैं, किसी ने मेरे ऊपर केस कर दिया कि सर वो अमाउंट पे आपने कम किया, आपको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहां पर ध्यान से समझो, अब यहां पर कितना ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा ये पता नहीं है। ये तो पता चल चुका है कि सामने वाले ने केस कर दिया, अमाउंट पे करना है, बट कितना पे करना है ये नहीं पता। मतलब मेरे ऊपर बंधन है ये मुझे पता है, बट कितना ये नहीं पता। तब भी हम रिकॉर्ड नहीं करते और उसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी बताते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? दोनों एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल क्लियर है आपको? पहला उन्होंने क्या कहा, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, कि भाई शायद पे करना पड़ सकता है, शायद पे नहीं भी करना पड़ सकता, तब आप कंटिजेंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कंटिजेंट लाइबिलिटी के हिसाब से, ये मॉड्यूल में से ये आपको नोट, शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है, ये आपको लिखना है और कोशिश करके इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल, इन्हीं टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल आपको करना है।
इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को आपको यूज करना है। मेरी जान चाय आ गई, सही बात है, लोगों को अलग चीजों का नशा होता है, मुझे चाय का नशा होता है। लोगों को किसी और चीजों का एडिक्शन है, मुझे चाय का एडिक्शन है। भाई क्या करें, अब है तो है, क्या कर सकते हैं, बोलो। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल एक प्रकार से बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के बेसिस पर ही ये रूल बनाया गया है। कंटिंजेंट एसेट मतलब आपको होने वाला प्रॉफिट है तो आपको उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, देखो ना ही हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना ही हम कंटिंजेंट एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट डिस्क्लोज एटलीस्ट कंटिंजेंट लाइबिलिटी को डिस्क्लोज कर रहे हैं। कंटिंजेंट एसेट तो डिस्क्लोज भी नहीं करते अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान लो वो अपने रिपोर्ट में बता सकते हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट आता है, चेयरमैन्स वर्ड, वाइस प्रेसिडेंट्स वर्ड टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स, तो वो क्या बात करना चाहते हैं उसमें आ सकती है चीजें, बट हमारे फाइनल अकाउंट में, हमारे बुक्स में नहीं आएगी। बोलो, किसी के मन में किसी प्रकार की कोई शंका, कुशंका, डाउट? हाँ, जो भी होता है अक्षय देसाई, चाय की तलब हो या नशा हो, जो भी हो, बस चाय चाहिए। अब उसको तुम कुछ भी नाम दे दो, तलब बोलो, एडिक्शन बोलो या नशा बोलो, जो भी बोलो, बस। डिस्क्लोजर अगेन फिर से सुनेंगे, डिस्क्लोजर फिर से सुनेंगे। कंटिंजेंट लाइबिलिटी विल बी शोन एज अ फुटनोट टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को नोट्स टू अकाउंट्स बनाए जाते हैं। जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, जब कंपनी अकाउंट्स हम पढ़ेंगे, तब मैं शेड्यूल थ्री जब होता है अपना, शेड्यूल थ्री के अंदर उसके नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं, उन नोट्स टू अकाउंट्स में हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट एसेट जो है वो हमारे रिपोर्ट में आएगा ही नहीं, कंटिंजेंट एसेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट बनता है, उसमें आएगा, हमारे बुक्स में आएगा ही नहीं। बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको? बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ू। कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट में फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस। कंटिंजेंट लाइबिलिटी में ऑल्सो बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और पास्ट इवेंट्स। शुड नॉट रिकोगनाइज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट, हाउ एवर इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट्स, अनलेस पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज रिमोट। These liabilities are assessed continually to determine whether an outflow of resource embodying economic benefit has become probable. अगर उसकी probability बढ़ गई कि पैसा पे करना ही पड़ेगा, वो हमें हर साल review करना पड़ता है, then an outflow of future economic benefits will be required for an item previously dealt with as a contingent liability. A provision is recognized in financial statements of the period in which the change's probability occurs, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made. मगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है पे करना ही पड़ेगा, तब आप एक काम करो, आप एक प्रोविजन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रिएट कर लो, अंदाजा लगा लो कि शायद कितना पे कर सकते हैं, और उतने का प्रोविजन आप आपके बुक्स में बना लो। पर नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी। आप अमाउंट अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे सर, छोड़ दो, रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है बता दो, कंटिंजेंट एसेट देखते हैं। पॉसिबल एसेट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर अकरेंस नॉन अकरेंस ऑफ अ सर्टेन, होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज। इट यूजुअली from unplanned and unexpected events that give rise to the possibility of an inflow economic benefits to the business entity. A claim that an enterprise is pursuing through a legal process where the outcome is uncertain is a contingent asset. हमने किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया है, वहां से पैसे आएंगे या नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। ये कब डिसाइड होगा? ओनली वेन द कोर्ट गिव्स इट्स वर्डिक्ट, ओनली वेन द कोर्ट गिव्स इट्स वर्डिक्ट। As per the concept of prudence, as well as present accounting standards, an enterprise should not recognize a contingent asset. These assets are uncertain and may arise from a claim which an enterprise pursues through a legal proceeding. There is uncertainty in realization of claim. It is possible that the recognition of contingent asset may result in recognition of income that may never be realized. So, contingent asset agar aap realize kar loge, तो आपकी वो इनकम हो जाएगी, और शायद ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में वो इनकम आए ही नहीं।
However, when the realization of income is virtually certain, then the related asset no longer remains as contingent asset. अब गारंटी हो गई है कि पैसा आने वाला है, गारंटी हो गई है, बुक्स में रिकॉर्ड कर लो आपका एसेट है, बुक्स में रिकॉर्ड कर लो आउटस्टैंडिंग इनकम, एसेट है आपका. कंटिंजेंट एसेट नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कंटिंजेंट एसेट यूजली डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ कंपनी, एंड करस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी इन केस ऑफ एनी अदर एंटरप्राइज. इफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल, कंटिंजेंट एसेट्स आर असेस्ड कंटिन्यूअसली, वर्चुअली सर्टन और नॉट. हर साल आपको रिव्यू करना है कि वर्चुअल सर्टेनिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने चांसेस है वो पैसे रियलाइज होंगे. बोलो क्लियर है यहां तक सबको? बोलो सबको यहां तक समझ में आ गया है क्या? आगे बढ़ू क्या? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? डन एवरीबॉडी, डन टिल हियर. तो वही बोल रहा हूं ना बेटे, अब देखो कैसा है जो आप बोल रहे हो. हमको लगा कि पैसा पे कर आएगा, तो कंटिजेंट एसेट तो ऐसे भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे. अब क्या होता है ना, रेगुलर बेसिस पर जो भी कोर्ट केस चलता है, आप आपके लॉयर के साथ रेगुलर बेसिस पे तो टच में रहेंगे, वो आपको केस की प्रोग्रेस बताता रहेगा कि क्या चांसेस है, क्या नहीं चांसेस है, क्या आपको पे करना पड़ेगा या आपको पैसा आने वाला है. देखो केस जो होगा स्टार्टिंग स्टार्टिंग फेज में ही आपको थोड़ा सा आधा समय जाने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें पैसा आने वाला है भी या नहीं, देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा. तो फिर उसके बाद तो सिर्फ इंतजार करना है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, या पैसा देना है या नहीं देना है. तो आप उसको कंटिन्यूअस बेसिस पर आप हर महीने दो महीने में आप रिव्यू करते रहते हो, आपके लॉयर के साथ बैठ के डिस्कस करते हो कि भाई साहब क्या है बताओ, पैसा पे करना पड़ेगा, पैसा आने वाला है या पैसा जाने वाला है, पैसा आने के चांसेस क्या है क्या नहीं है. तो ऐसे हो सकता है कि मान लो आपका नया नया केस है, पहली बार हुआ है ऐसा, तो शायद आएगा या नहीं आएगा गारंटी नहीं है. बट ऐसा होता है कि लॉयर आपको बोलता है कि सुनो सर भाई साहब, ऐसा केस ना हमने 2 साल पहले भी एक ऐसा केस किया था, 7 महीना 8 महीना ये केस चला, बट एट द एंड गारंटी इतनी है कि अपने केस में पैसा जरूर आएगा, आप लिख के ले लो पैसा आएगा. तो हाई प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी हाई है, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो, आप क्या कर लो उसको एज अ कंटिजेंट एसेट दिखा दो. और जब ऐसा हो जाता है कि केस का आखिरी पड़ाव आया है, क्लाइमैक्स आया है और आपको दिख रहा है पूरा केस अपने फेवर में है, तब आप एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं. क्लियर है यहां तक सबको? बोला यहां तक क्लियर सबको? एवरीवन इज इट क्लियर? लगता है आज बहुत बच्चे नींद में है. वेरी गुड, सोहन को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया. चलो कंटिजेंट एसेट कंटिजेंट लाइबिलिटी देख लिया, कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी और लाइबिलिटी में फर्क क्या है? लाइबिलिटी एंड कंटिजेंट लाइबिलिटी जनरली बेस्ड ऑन जजमेंट ऑफ अ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट की सोच क्या है उसके ऊपर. लाइबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एंटरप्राइज विच अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स. सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी रिजल्ट्स इन एन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटरप्राइज ऑफ रिसोर्स एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स. ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी आइदर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स टू द सेटल ऑब्लिगेशन इज नॉट प्रोबेबल और द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड सेटल कैन नॉट बी मेजर्ड विद सफिशिएंट लाइबिलिटी. एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटीज आर क्लेम्स अगेंस्ट एंटरप्राइज नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स, गारंटीज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टीज, लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस डिस्काउंटेड स्टैच्यूटरी लाइबिलिटीज. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले जो दो पार्ट थे एग्जाम्पल्स छोड़ के, जो पहला दो पार्ट है ये आपको प्रॉपर कंटिजेंट लाइबिलिटी और कंटिजेंट लाइबिलिटी में डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है, ये लिखना है आपके लिए जरूरी है. डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन. प्रोविजन का मतलब क्या है? प्रोविजन मीन्स एनी अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन रिन्यूअल डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लाइबिलिटी ऑफ विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ सब्सटेंशियल एक्यूरेसी. मतलब
फ्यूचर में आपको लॉस होने वाला है ये गारंटी है, फ्यूचर में आपका नुकसान होने वाला है पक्का है, तो उसके लिए आज ही आप प्रोविजन बना के रखते हो, पैसे साइड में निकाल के रखते हो, उसको हम कहते हैं प्रोविजन। मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी इसके लिए, प्रोविजन का एग्जाम्पल आपके घर में है, मम्मी ने सोचा है कि दिवाली आ रही है, दिवाली में हमें टीवी लेना है, क्या लेना है, टीवी लेना है। तो मम्मी दुकान में जाती है, दुकान में पूछती है कि भाई साहब ये जो टीवी हमें पसंद आया है इसका खर्चा कितना आएगा या कितने में ये टीवी पड़ेगा। दुकानदार वाले भाई साहब ने कहा कि मैडम जी ये टीवी है 50,000 का। कितने का टीवी है? 50,000 का टीवी। तो मम्मी अब क्या करेगी? अब मम्मी ने हिसाब लगाया कि भाई साहब अभी कितना महीना है बाकी, 10 महीना बाकी है दिवाली के लिए। कितना महीना बाकी है? 10 महीना। 10 महीने बाकी है, तो मम्मी ने सोचा कि जो जो सैलरी आती है उसमें से हर महीने 5,000 रुपये हम साइड में निकाल कर रखेंगे टीवी के खर्चे के लिए। तो क्या आप बता सकते हो 10 महीने बाद टीवी का जो खर्चा है वो 50,000 ही होगा क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 50,000 का टीवी है तो आप क्या गारंटी से बोल सकते हो कि 10 महीने बाद वो टीवी की कीमत 50 ही रहेगी? कम भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है, बोलो हाँ या ना। बड़ा अंदाजा भी लगा लेंगे तो सर एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, बट कितना 5-8-10 हज़ार रुपया ऊपर नीचे होगा सर, बराबर है कि नहीं? इतना बोल दो मुझे बस कि आप अंदाजा लगा सकते हो या नहीं, है ना? गारंटी है क्या 50,000 का ही टीवी होगा? 50,000 का ही टीवी होगा गारंटी है क्या? सर गारंटी नहीं है, बट क्या हम फिर भी अंदाजा लगा सकते हैं क्या कितने का होगा? हाँ सर, 5-6 हज़ार रुपये कम ज्यादा ऊपर नीचे, 5-6 हज़ार कम ज्यादा ऊपर नीचे, बराबर है। तो हमें पता है कि आगे दिवाली में खर्चा होने वाला है, इसीलिए मम्मी ने क्या किया, आज ही पैसा धीरे 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 साइड में निकालना स्टार्ट कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि जितना पैसा आपने 50,000 सेव किया उतना ही लगे, हो सकता है कि 50,000 का टीवी है, टीवी का बहुत डिमांड चल रहा था, भाई साहब टीवी 50 का 60 हो गया, आपको 10,000 एक्स्ट्रा भर के पे करना पड़ेगा, बट चलो 50,000 का तो प्रोविजन हमने बना रखा था, 10 ही हज़ार ऊपर से लग गए एक्स्ट्रा। वही मान के चलो दिवाली धमाका ऑफर चल रहा था, कंपनी ने बोल दिया भाई 20% ऑफ, आपको 50,000 का टीवी पड़ेगा सीधे सीधे कितने में? 40,000 में। तो बच गए ना आपके पैसे। तो मैंने क्या कहा आपको, एग्जैक्टली कितना खर्चा होगा पता नहीं है, बट कितना होगा अंदाजा है, इसीलिए हम अभी से थोड़ा 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 पैसा सेव करना चालू कर देते हैं। दैट इज नथिंग बट प्रोविजन, दैट इज नथिंग बट व्हाट? प्रोविजन। बोलो प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? तो मैं आगे बढ़ता हूं। प्रोविजन में और कंटिजेंट लाइबिलिटी में फर्क क्या है वो समझेंगे। पहले मुझे बताओ प्रोविजन का मतलब समझ में आया क्या? इज इट क्लियर एवरीवन व्हाट इज अ प्रोविजन? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। एक्सपेंसेस डिक्रीज करने में मदद नहीं करता है बेटे, एक्सपेंसेस मीट करने में मदद करता है, खर्चा करने में मदद करता है। अब देखो मान लो ना अभी सैलरी, आपकी सैलरी 50,000 है, आपकी सैलरी ही 50,000 है, अब उस महीने डायरेक्टली टीवी जाके लेके आ जाओगे तो घर खर्च के लिए पैसा कहाँ बचेगा? कुछ ही नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो हम वो बड़ा खर्चा आज ही अंदाजा लगा लेते हैं, उस बड़े खर्चे के लिए अभी से सेविंग करके प्रोविजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोविजन। सोन समझ में आएगा बेटे? बोलो क्लियर है सबको? एवरीवन, एनी डाउट? एनी डाउट? बढ़िया, बराबर है सोहन, बराबर, सही बात है। बड़े बड़े डायलॉग दे दो इसको मारने के लिए, है ना? आ जा। प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टन अमाउंट, कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज, बराबर है। ये प्रेजेंट लाइबिलिटी है, आपके ऊपर लाइबिलिटी बंधन है, आपको पता है आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, बट कितना एग्जैक्टली पे करना है पता नहीं है। कंटिजेंट लाइबिलिटी में पॉसिबल ऑब्लिगेशन, शायद हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आ सकता है, शायद वाली बात आ जाती है यहां पर। प्रोविजन मीट्स द रिकग्निशन क्राइटेरिया, कंटिजेंट लाइबिलिटी फेल्स टू मीट द सेम। रिकग्निशन क्राइटेरिया, लाइबिलिटी को रिकग्नाइज करना है या नहीं करना है, प्रोविजन रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया मीट करता है।
क्योंकि आपके ऊपर बंधन है, आपको लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अक्रूड, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको पढ़ाया था। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मैंने कहा था कि व्हेन द एक्सपेंसेस इनकर्ड इट इज रिकॉर्डेड। इनकर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, ये बंधन तो पैसे का बंधन है, याद आ गया। तो वो रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहे तो उसको रिकग्नाइज करना ही पड़ेगा। प्रोविजन रिकग्नाइज व्हेन एन एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल। एंड क्या बोला है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, समझना है हमको। एंड एंड मतलब, एंड का मतलब क्या, दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए यहां पे। दो कंडीशन, कौन सी दो? पहला, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपके ऊपर बंधन है, पास्ट इवेंट की वजह से आपके ऊपर बंधन आया है कि आपको खर्चा होने वाला है, लॉस होने वाला है। और साथ ही साथ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन, एक अंदाजा लगा सकते हो आपके कितना पैसा पे करना पड़ सकता है। सर अगर हम अंदाजा नहीं लगा पाए तो कंटिजेंट लाइबिलिटी है, वही तो बोल रहा हूं। ऊपर हमने कंटिजेंट लाइबिलिटी में दो पॉइंट पढ़े बेटे, ऊपर देखो, याद करो फिर से। यहां पर देखो, ये दो पॉइंट दिख रहे, वन एंड टू दिख रहे आपको। पहला उसने क्या बोला, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, तो विषय नहीं है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब विषय नहीं है कि भाई आगे आपके ऊपर बंधन आने वाला है, तो कंटिजेंट लाइबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि पैसा कितना भरना पड़ेगा, तो भी वो क्या रहेगा, कंटिजेंट लाइबिलिटी ही रहेगा। बट आपके ऊपर बंधन आ चुका है, आपके ऊपर बंधन आ चुका है, बस आपको अमाउंट अंदाजा पता है कि कितना अंदाजन अमाउंट पे करना पड़ सकता है, अंदाजन अमाउंट पता है कि कितना पे करना पड़ सकता है, दैट्स इट। इसीलिए वो कंटिजेंट लाइबिलिटी से हटकर कहां जाएगा, प्रोविजन में चला जाएगा। और जब ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ध्यान से सुनेंगे, फिर से सुनो, फ्लो बता रहा हूं मैं आपको। पहले कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या है, कंटिजेंट लाइबिलिटी पॉसिबल ऑब्लिगेशन, हमारे ऊपर बंधन आ सकता है, कंटिजेंट लाइबिलिटी। सर हमारे ऊपर बंधन है बट अमाउंट कितना पे करना है पता नहीं, सर कंटिजेंट लाइबिलिटी में डालो, ठीक है। सर हमारे ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और हम सिर्फ अमाउंट का अंदाजा लगा सकते हैं, प्रोविजन बनाओ। सर हमारे ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और कितना पे करना है वो भी पता है, लाइबिलिटी, विषय क्लोज। समझ में आया सबको, आ जाओ यहां पे लिखता हूं फ्लो उसका, आप भी लिखेंगे। पॉसिबल ऑब्लिगेशन कहां है, क्या कहां है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, कंटिजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन बोल दिया, सीधा कंटिजेंट लाइबिलिटी। अगला, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्लस अमाउंट कैनॉट बी मेजर्ड अगेन कंटिजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या, हा है, प्लस अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली यानी कि एस्टीमेट, अंदाजा लगा सकते हो, तो भाई उसका सीधा सीधा आप प्रोविजन बनाओ। और आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है प्लस अमाउंट आल्सो नोन, तो आपकी सीधे सीधे क्या होगी, लाइबिलिटी, एज सिंपल एज दैट। चिटकाओ जल्दी से, लर्न करने की जरूरत नहीं बेटे, समझ लो, मन से लिख सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन, या तो शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, गारंटीड आता है 5 मार्क के लिए, गारंटीड 5 मार्क के लिए आता है।
बोलो क्लियर यहां तक। हर्ष दुबे का कहना है कि जैसे मम्मी लोग गोल्ड के लिए सेव करती है, एग्जैक्टली वो प्रोविजन हो गया बेटा आपका। मम्मी ने सोच लिया कि गोल्ड लेना है तो अभी से मम्मी थोड़ा सा सेविंग चालू कर देती है। एग्जैक्टली राइट। बोले कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या सबको? क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो तो मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं नहीं बेसिस लिखना जरूरी नहीं है, लिखोगे तो अच्छी बात है, एक एग्जामिनर को एक पॉइंट ऑफ व्यू बढ़िया सा पता चल जाएगा कि वो आप बताना क्या चाहते हो, तो शायद वो ज्यादा डिटेल में ना जाए। बट अगर आपने वो बेसिस ऑफ डिफरेंस अगर नहीं लिखा तो फिर वो शायद वो डिटेल में जाके पड़ेगा, शायद अगर सेंटेंस अगर गड़बड़ा गई तो फिर शायद वो मार्क्स थोड़े काटने के चांसेस ज्यादा है। प्रीवियस नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे और प्लस इस पे भी मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल रखे थे मैंने। यस इज इट क्लियर? शैल वी मूव फॉरवर्ड? यस वेरी गुड वेरी गुड। इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट इट इज प्रोबेबल दैट द सेटलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इट रिकॉग्नाइजेस द प्रोविजन इन द बैलेंस शीट। इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट इट इज लेस लाइकली दैट एन इकोनॉमिक बेनिफिट विल आउटफ्लो ऑफ द फर्म सेटल द ऑब्लिगेशन, इट डिस्क्लोज द ऑब्लिगेशन एज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी। मतलब यहां पर क्या बोलेंगे, एस्टिमेट दैट इट इज प्रोबेबल इट इज लेस लाइकली, प्रोबेबल एंड लेस लाइकली मतलब प्रोबेबिलिटी हाई है तो उसको प्रोविजन रिकॉर्ड कर लो, प्रोबेबिलिटी हाई है। अगर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, सर मुश्किल है पैसा देना पड़ेगा, मुश्किल है, तो आप क्या कर लो उसको रिकॉर्ड कर लो एज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा दो आप फुट नोट में। बोलो क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? बोलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? तो क्या मैं नए कॉन्सेप्ट पे जा सकता हूँ? नया टॉपिक है अपना, छोटा सा टॉपिक रहेगा। आ जाओ, छोटा सा टॉपिक है, अगेन विल बी डन विद दिस टॉपिक ऑल्सो विद इन 15-20 मिनट्स एंड विल बी डन विद द बेसिक्स पार्ट। धन्यवाद सोहन, आपकी इज्जत जो भी आपने लिखा है उसका ही मुझे इंतजार था, वरना मैंने तो पढ़ाना ही नहीं था, मैंने छोड़ देना था, अभी छोड़कर चले जाना था यहाँ पर। मैंने सैटरडे है, बढ़िया सा घूमने पार्टी करने जाना था मैंने, तो अब तो अब वो तो तुमने इजाजत दे दी इसलिए पढ़ा रहा हूं, वरना तो मैंने अपनी दुकानें बंद कर देनी थी। बोलो बड़े डन टिल हियर। आ जाओ, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज सिलेक्ट करने से पहले आपको तीन चीजों का ध्यान देना, एक प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी। दीज आर द थ्री कॉन्सेप्ट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर सिलेक्टिंग अ अकाउंटिंग पॉलिसी, बिफोर सिलेक्टिंग एनी अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अकाउंटिंग करने के तरीके बताते हैं, दोज आर नथिंग बट अकाउंटिंग पॉलिसीज। भाई इन्वेंट्री को मेजर करो, इन्वेंट्री को मेजर करते समय आप फीफो लगा सकते हो, लीफो लगा सकते हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट लगा सकते हो। तो ये क्या हुए, पॉलिसी हुए।
डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के अलग अलग मेथड है, SLM मेथड है, WDV मेथड है, और मशीन आर रेट मेथड है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे। बट आपको कौन सा पॉलिसी लगाना है, आपने कौन सी पॉलिसी यूज करनी है, ये आपके ऊपर छोड़ा गया है, ये आपको फ्रीडम दिया गया है। बट कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो आपको पॉलिसी लगाना है आप लगा लो, बट कंसिस्टेंटली एवरी ईयर यू हैव टू अप्लाई ओनली दोज पॉलिसी, यू कैन नॉट चेंज योर पॉलिसीज एवरी ईयर। इसीलिए अब जो भी पॉलिसी हम सिलेक्ट करेंगे, वो पॉलिसी सिलेक्ट करने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, हमें वो पॉइंट देखने हैं। क्लियर है तक? आ जाओ, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन विच इफेक्ट्स दी, देखो अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगा रहा हूं मैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, वो हम आपको एक्सप्लेन करूंगा और हम टॉपिक खत्म कर देंगे। वरना ये टॉपिक अगर मैं पढ़ते बैठूंगा, एक एक चीजें पढ़ूंगा, तो आप भी सो जाओगे, मैं भी यहीं पर यूट्यूब लाइव में ही सो जाऊंगा, है ना। चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन विच अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। सिलेक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी में लीड टू अंडर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजिशन। दिस अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सिलेक्टेड विद ड्यू केयर आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इट इज बिलीव दैट नो यूनिफाइड और एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी सजेस्टेड विच हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये लिस्ट है, यही अप्लाई करना है, ऐसे बोल नहीं सकते। तो आपको सिलेक्ट क्या करना है वो हम बताएंगे आपको, सिलेक्शन के समय किन चीजों का ध्यान देना है वो भी हम बताएंगे आपको। थ्री मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स विच शुड बी कंसिडर फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्शन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ सच अकाउंटिंग पॉलिसीज सो दैट एग्जिबिट ट्रू एंड फेयर व्यू स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सही पिक्चर दिखनी जरूरी है। क्लियर है तक? एग्जाम्पल्स वेर इन सिलेक्शन फॉर्म सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज मेड कैन बी गिवन एज फॉलोज। इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट एक्सेप्ट फॉर फिनिश्ड गुड्स बाय प्रोडक्ट्स। फिनिश्ड गुड्स आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट्स और वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन्वेंट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिटेल में क्लियर समझ लूंगा। इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये इंटरमीडिएट लेवल पर जब हम AS 13 पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स उस समय आपको समझ में आएगा। समटाइम्स रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज अडॉप्टेड टू आइटम्स इन द बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर ऑफ ट्रीटमेंट अडॉप्टेड नेसेसरी इन एनी केस बट डिस्क्लोजर कैन नॉट रेक्टिफाई अ रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। सिर्फ आप डिस्क्लोज कर दोगे, अरे यार मेरे से गलती हो गई, तो आपके बुक्स ठीक नहीं हो जाएंगे। क्लियर है? तो सही पॉलिसीज लगाना आपके लिए बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरी है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है बट बुक में दिया है, कोई बच्चे नाराज हो जाते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, वो टॉपिक नहीं पढ़ाया, इसीलिए पढ़ा रहा हूं बेटे। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज देखना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के लिए एक्सेप्शन है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के लिए एक्सेप्शन है। कंसिस्टेंसी बोलता है कि हर साल आपको सेम पॉलिसीज लगाना है, बट ये बोलता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे जहां पे आप आपकी पॉलिसीज चेंज कर सकते हो, आप आपकी पॉलिसीज चेंज कर सकते हो। अब ध्यान से सुनेंगे, पॉलिसी चेंज कर सकते हो मतलब पहला पॉइंट, इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम सम स्टैट्यूट और कंप्लायंस विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सरकार ने कह दिया कि ये पॉलिसी आज से बंद है, अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बंद करनी पड़ेगी, दूसरी ही लगानी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोल दिया SLM WDV दो मेथड है, WDV आज से बंद, सिर्फ SLM ही लगाएंगे सारे, तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। चेंज वुड रिजल्ट इन अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आपको लगता है कि पॉलिसी अगर मैं चेंज कर दूं तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बेहतर दिखेंगे, तो आप चेंज कर सकते हो। सर फिर आप कहेंगे सर ये तो लूप होल हुआ, हर आदमी हर साल उठ के बोलेगा कि अब मुझे लगता है कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट सही है तो मुझे ये पॉलिसी लगाऊंगा। अगले साल फिर बोलता है कि नहीं मुझे लगता है कि अब मेरे बुक्स सही लगेंगे इस पॉलिसी से तो मैं ये पॉलिसी लगाऊंगा। ऐसे अलाउड नहीं है बेटे, आपको उसका जस्टिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप पॉलिसी चेंज कर रहे हो तो रीजन बताओ क्यों चेंज कर रहे हो। चेंज करने के अलावा अगर आप यही पॉलिसी फॉलो करते तो क्या इफेक्ट होता, यही पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे चेंज कर रहे हो तो क्या इफेक्ट होगा, उसको क्वांटिफाई करो कि प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट है, आपकी बैलेंस शीट के ऊपर क्या इफेक्ट है। बैलेंस शीट में एसेट ज्यादा दिख रहा है कम दिखेंगे, लाइबिलिटी ज्यादा दिखेगी कम दिखेगी, प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है कम दिख रहा है, ये सारी चीज आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी तभी आप पॉलिसी चेंज कर सकते हो। वो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा वरना शायद आपको सरकार से डंडा बैठेगा और बोलेगा चलो चेंज करो जैसा ओरिजिनल पॉलिसी वैसा लगाओ चुपचाप। समझ में आ रहा है सबको? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल इफ कॉस्ट फॉर्मूला यूज्ड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन चेंज्ड फ्रॉम वेटेड एवरेज टू फीफो। आप पहले वेटेड एवरेज यूज करते थे, फीफो पे चले गए। इफ इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज विच इज अर्लियर नॉट इन प्रैक्टिस। पहले इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना नहीं था, एसेट के कॉस्ट में आप इंटरेस्ट नहीं ऐड करते थे, बट आप अभी ऐड कर रहे हो। सर ये तो गलत है, इंटरेस्ट तो ऐसे ही कोई नहीं ऐड करता।
बोरोइंग कॉस्ट AS 16 इंटरमीडिएट का टॉपिक अगेन, कि कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिसके ऊपर अगर हम लोन लेते हो बनाने के लिए तो लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो एसेट के कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। ओ हो, तो ये हटके पॉलिसी है, ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। और इफ प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज टू इन्वेंट्री विच वॉज अर्लियर नॉट द प्रैक्टिस, ऑल दीज में इंक्रीज और डिक्रीज द नेट प्रॉफिट अनलेस The effect of such change in accounting policy is quantified. The financial statement may not help the user of accounts. Therefore, it is necessary to quantify the effect of change. Quantify, quantify. बताओ कितना फर्क पड़ेगा। Clear है तक सबको? 100%. Is this topic also over? This topic is also over. कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था बड़ा छोटा सा टॉपिक है, तो मैंने रिस्क ले लिया, लाइट आ गई थी तो मैंने ले लेते हैं टॉपिक, दोनों खत्म हो जाएंगे तो आप भी फ्री मैं भी फ्री। मंडे से वी विल बी स्टार्टिंग विथ अवर फ्रेश गर्मा गर्म न्यू टॉपिक जिसका नाम क्या होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यू नीड नॉट मिस द लेक्चर, बिल्कुल लेक्चर मिस करना नहीं है, बराबर है। वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो के बाद कमेंट करेंगे, भूलना नहीं है, ध्यान से करना है हमें, है ना, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अभी तक बेसिक्स चल रहे थे तब तक ठीक था, बट मंडे से हम जब मेन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेटे वहां पर आपको लेक्चर्स मिस करना नहीं है, वहां पर आप लेक्चर्स मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां पे अगर आप लेक्चर्स अफोर्ड मिस कर दोगे आगे दिक्कत आएगी बेटे, नेक्स्ट लेक्चर में आप पूरी तरह से ब्लैंक बैठे रहोगे कि चल क्या रहा है, समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन, प्लीज अटेंड द लेक्चर डेली। इफ इन केस इन द मॉर्निंग 8 o'clock इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू वॉच द लेक्चर, कुछ गड़बड़ हो जाती है तो दोपहर में आप देख रहे हो, बट तभी के तभी देखो। बट मेरा तो रिक्वेस्ट ये रहेगा, कोशिश आप यही करो एज इफ यू हैव पेड द फीस एंड यू हैव टू सिट फॉर द लेक्चर्स, आप वैसे ही लेक्चर्स अटेंड करो, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएगी, और अगर आप लाइव अटेंड नहीं करेंगे तो आपको दिक्कतें आती जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी बच्चा दिक्कत फेस करे, तो आपको डेली मेरे साथ लाइव लेक्चर अटेंड करना है कोशिश करके, ठीक है। सो विल स्टॉप, यस यस यस, फिर से एक बार बता दूं, नया टॉपिक जो है वो मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर क्या कल हम मिल नहीं रहे क्या? हम कल मिल रहे हैं, कल हम मिलने वाले हैं जूम पर सुबह 11:30 बजे। जूम की लिंक आएगी, हम जूम पर मिलेंगे। हम किस पर मिलेंगे? जूम पर मिलेंगे, जूम पर बातें करेंगे। आपके जो 5 इलस्ट्रेशन थे उसके भी डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगा, पिछले जितने भी टॉपिक्स हुए बेसिक से रिलेटेड, भले ही वो जर्नल हो, लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, या कोई भी टॉपिक हो, डेबिट हो, क्रेडिट हो, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के रिलेटेड हो, या कोई भी अकाउंट, सारे के सारे डाउट्स हम कल के लेक्चर में ले लेंगे, कल के सुबह के मीटिंग सेशन में ले लेंगे। कल का जो जूम कनेक्ट होगा, जूम कनेक्ट पे हम ले लेंगे। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? आज का लेक्चर सबको क्लियर है क्या? राडा राडा, यस राडा राडा, यस यस। शैल वी स्टॉप आवर लेक्चर ओवर हियर? We'll be meeting tomorrow morning at 11:30 on Zoom, and on Monday morning 8 o'clock as per the regular schedule for our CA Foundation Accounts lecture. Till then everyone, thank you, take care, bye bye, enjoy, do not forget to like the video, share the video with your friends, and do comment on the video after the lecture. Thank you, bye bye everyone.